अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बिरयानी की रेसिपी, फ्राई चिकन बिरयानी रेसिपी। बहुत इजी है, घर के इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ हुए हैं और बहुत ही सिंपल है रेसिपी। आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको शो होती रहे। चलिए अब चलते हैं मज़ीद रेसिपी की तरफ। एक मैंने पतीला लिया है, उसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर प्याज ऐड कर दें। प्याज आपने ब्राउन करना है। ये देखिए जी, अब सोगी सोगी हो रहा है, ये अब आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन शुरू हो जाएगा होना। साथ ही बीच में लंबा लंबा कटा हुआ अदरक डाल दें। अदरक भी साथ फ्राई हो जाएगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है फिर फ्राई होके। ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखें, बिल्कुल प्याज ब्राउन हो गया। मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि प्याज जो है वो अपना कलर अच्छे से निकाल दें। अब इसमें टमाटर डाल दी, हरी मिर्चें डाल दी हैं, बाकी सारे मसाले डाल देती हूँ। ये देखिए जी, दालचीनी आ गई है, दरदर मिर्च एक चाय का चम्मच मैंने डाली है, काली मिर्च डाली है, नमक दो खाने के चम्मच डाला है मैंने, ज़ीरा डाला है, लाल मिर्च दो खाने के चम्मच, इलायची, सबस। आप नमक और मिर्च को अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि टमाटर जो है गल जाएं, और ऊपर ढक्कन रख दूंगी हल्की आंच पे। ये देखें जी, टमाटर जो है अभी भी गले नहीं है, मैंने 5 मिनट बाद चेक किया है। अब मैं इसके अंदर आलू बहारा डाल दूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए दोबारा रख दूंगी ढक्कन के साथ ढांप के। इसको थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए दोबारा रख दें हल्की आँच पर, टमाटर बिल्कुल गल जाएंगे। ये देखें जी, अब मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। और अगर आपको कोई टमाटर लगता है कि बीच में थोड़ा सा अभी सख्त है तो उसको आप चम्मच के साथ नरम कर लें। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा दही डाल दूंगी और दही को अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, इसके अंदर कुछ लोग ना प्याज ब्राउन करके तो चिकन डाल के तो उसको साथ ही बीच में हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, लेकिन जो अलग फ्राई करने का चिकन का टेस्ट है ना, वो कभी भी इसके अंदर इकट्ठे फ्राई करने में नहीं आता। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा चिकन को अलग फ्राई करके, अलग एक बर्तन लें उसके अंदर अलग फ्राई करें चिकन को। अब मसाला बिल्कुल रेडी है, अब इसमें चिकन डाल दूंगी मैं। ये देखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी कोई काम करें बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के करें ताकि आपका काम भी सही हो जाए और अल्लाह की बरकत भी डल जाए। अब ये चिकन डाल दिया मैंने, चिकन को पहले फ्राई किया और फिर मसाले में ऐड कर दें। मैं बता दूं मैंने चिकन किस तरह फ्राई किया। ऑयल के अंदर मैंने डाला है चिकन और थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फ्राइड चिकन का बिरयानी में टेस्ट ही अलग है, बहुत मज़ा आता है इसका। अब ये देखें जी, चिकन जो है आप देख रहे हैं ब्राउन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में या किसी भी डिश में। ये देखें जी, मसाला बिल्कुल रेडी हो गया था, मैंने बीच में चिकन डाल दिया था। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दिया है चावलों के लिए और मैंने चावल जो है 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दिए थे। अब मैं इनका पानी उतार दिया, मैं चावल बीच में डाल दूँगी। ये देखें जी, चावल बीच में डाल दिए। अब पानी को बॉयल आने दें, थोड़ी सी आंच तेज़ कर लें। ये देखें जी, चावल पकना शुरू हो गए हैं। अब ये चावलों को मैं दम दे दूंगी, इस पर मैं ज़्यादा रंग डाल रही हूँ। ये देखें, और इसको आप तकरीबन 20 मिनट दम दें। आंच मैंने दम की कर दी है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आपने कोई भी क्वेश्चन करना हो और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको शो होती रहे।